मंगलवार को यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया गया। हाई स्कूल में पूनम वर्मा ने जिले में पहला स्थान प्राप्त किया, तो वहीं इंटरमीडिएट में अंकिता शर्मा ने जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सोशल मीडिया और टेलीविजन से दूरी बनाकर लड़कियों ने जिले का नाम रोशन किया है। श्री देवलाल उच्चतम माध्यमिक विद्यालय फतेहाबाद की हाई स्कूल की छात्रा पूनम वर्मा पुत्री रामदीन ने जिले में टॉप किया है। बिटिया के जिले में पहला स्थान प्राप्त करने के बाद परिवार में काफी खुशी का माहौल है। बड़ी संख्या में ग्रामीण छात्रा पूनम को बधाई देने पहुंच रहे हैं। क्या कहना है, कैसी प्रेरणा मिली आपको? मुझे प्रेरणा मेरे टीचर्स से मिली, डैडी ने भी सपोर्ट किया, मम्मा ने भी सपोर्ट किया। जैसे कि हमें किसी भी काम को करने से पहले रूटीन तो बनाना ही होता है, वही कामयाब होता है। वैसे मैं यूपी टॉप करना चाहती थी, बट थोड़ा कहीं कमी रह गई। अच्छा, कमी कैसे रह गई? पढ़ाई कम की या अपने बाहर ज़्यादा टाइम दिया? अपने हिसाब से तो मैंने सही की थी, बट पता नहीं कैसे कमी रह गया। अगली बार और करेंगे तो इंटरव्यू में भी आएगा शायद, और मेहनत करेंगे। बताया कि आपके घर पर कोई टीवी नहीं है, एंड्रॉइड फोन भी नहीं है, तो टाइम पास कैसे करते थे, मनोरंजन कैसे करते थे आप अपने? किताबें इतनी होती हैं, उनसे टाइम ही मिले जब ही ना। बट जब भी मुझे कोई सवाल वगैरह नहीं आता था तो पापा को पूछ लेती थी, नहीं आता था तो मोबाइल पापा से। पापा किस विषय के टीचर हैं? मैथ के हैं। आपके मैथ में कितने नंबर आए? 97। पापा ने काफी सपोर्ट किया होगा? पापा ने ही, मेरी जड़ को तो उन्होंने ही बनाया था पहले तो। स्कूल के साथ परिजनों का नाम रोशन करने वाली पूनम वर्मा ने बताया कि वे भविष्य में आईएएस बनना चाहती हैं, और बताया कि बच्चों को परिणाम का इंतजार नहीं करना चाहिए, उन्हें तो लक्ष्य बनाकर मेहनत करनी चाहिए। जिले में पहला स्थान प्राप्त करने वाली हाई स्कूल की छात्रा पूनम वर्मा के पिता रामदीन ने बताया कि वे एक सरकारी अध्यापक हैं। बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए घर में ना तो टेलीविजन है और ना ही कोई एंड्रॉयड फोन है। घर में फोन और टेलीविजन ना होने की वजह से बड़ी बेटी ने बीएड और दूसरे नंबर की बेटी ने जीएनएम का कोर्स कर चुकी है, और पूनम ने हाई स्कूल में जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो वहीं श्री रामजी लाल इंटर कॉलेज धीमश्री के इंटर की छात्रा अंकिता शर्मा ने भी जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अंकिता शर्मा के पिता दिनेश शर्मा ने बताया कि वे एक किसान हैं और परिवार का पालन पोषण करने के लिए खेती मजदूरी करते हैं। घर की बड़ी बेटी अंकिता शर्मा ने इंटर की परीक्षा में जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जिसे लेकर परिवार व स्कूल के अलावा ग्रामीणों में खुशी का माहौल है और बिटिया को बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। सब मतलब स्कूल के बाद का दौरान मिक्स करके 16-17 स्कूल में पढ़ते था। और आगे क्या बनना चाहते हैं? आपको प्रेरणा कैसे मिली? आपके घर में भी पढ़ा लिखा है? क्या करते हैं? आपके साथ में और भी बच्चे पढ़ते होंगे, उनकी रैंक देखकर आपने काफी अच्छा रैंक हासिल किया है जिले में, तो अब उन्हें क्या सीखना चाहिए, क्या संदेश देना चाहते हो आप उन लोगों को? सोशल मीडिया का आप चलाते हो? यूज करते हो सोशल मीडिया? टीवी है घर पर? टीवी भी नहीं? इंटरमीडिएट की परीक्षा में जिले में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली अंकिता शर्मा ने बताया कि वे करीब 16 से 17 घंटे पढ़ाई किया करती थी। घर में टीवी नहीं है और एक ही एंड्रॉयड फोन है, जिसे पापा चलाते हैं। मम्मी घर का काम करती हैं। सोशल मीडिया और टेलीविजन से दूर रहकर तथा इतनी पढ़ाई करने के बाद ये मुकाम हासिल किया है। आगे इसी प्रकार पढ़ाई जारी रहेगी, भविष्य में आईपीएस बनकर परिजनों के साथ जिला और प्रदेश का नाम भी रोशन करना है। एक बच्ची है हाई स्कूल में, जिसने जिले में सेकंड रैंक प्राप्त की है, काफ़ी उत्साह है, और आप हम उन्हीं के पास खड़े हैं, उनसे बात करते हैं कितनी मेहनत की उन्होंने और कितना मेहनत करके वो अपने इस मुकाम पे पहुंची हैं। क्या नाम है आपका? पूनम वर्मा। अच्छा, आपने कितनी मेहनत की, कितना पढ़ा आप, और इतनी मेहनत तो बहुत करती थी। पापा भी सपोर्ट करते थे, मम्मी भी सपोर्ट करती थी, टीचर्स भी सपोर्ट करते थे। ज़्यादा मैं खेलने कूदने में ध्यान नहीं देती थी, पढ़ने में ही ध्यान देती थी, क्योंकि पहले अपना करियर बना लीजिए, उसके बाद ये खेलना कूदना तो होता ही रहता है। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? पापा सरकारी टीचर हैं। सरकारी टीचर, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया होगा? यस सर। अच्छा, आप आगे क्या करना चाहते हो?
मैं आगे तो आईएएस की तैयारी करना चाहती हूँ, यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ। अच्छा, आपके जनरेशन जो है, आपके बराबर में जो फ्रेंड्स भी होंगे, बच्चे भी होंगे, उन्हें क्या संदेश देना चाहती हो? आपको आपने जिले में तो सेकंड रैंक प्राप्त की है, आप उन्हें कितना प्रेरणा देना चाहती हो? मैं ये कहना चाहूँगी उनसे कि उन्हें ज़्यादातर गलत चीज़ों में ध्यान नहीं देना चाहिए, पढ़ाई पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए, अपना एक रूटीन बना लेना चाहिए जिससे ही उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे हमें सक्सेस मिलती है। ज़्यादातर जो लोग सक्सेस होते हैं उनका कोई ना कोई रूटीन होता है, इसीलिए वे होते हैं। अभी तक तो आप देखना चाहते हैं जैसे कि सोशल मीडिया पर बच्चे बहुत एक्टिव हो गए हैं, कोई जो जैसे कि ट्विटर वगैरह होते हैं, फेसबुक होते हैं, उस पर बहुत ध्यान देते हैं, आप वो चलाते हो? नहीं, पापा इतना देते ही नहीं फोन, मतलब मना कर देते हैं, अगर मुझे काम होगा तो दे देते हैं। टीवी वगैरह है घर पे? टीवी नहीं है, बचपन में ही पापा ने फोड़ दी थी। अब कितने घंटे पढ़ाई करते हो आप? अभी मैं 7 बजे से शाम को पढ़ती हूँ, 11 बजे तक, 12 बजे तक, सुबह 4 बजे से उठकर पढ़ती हूँ, 6-7 बजे। मम्मी क्या करती है? मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, घर में और भी कोई पढ़ा लिखा है? हाँ, दीदी है, एक की शादी हो गई है, उन्होंने बीएड क्लियर कर लिया है, और एक दीदी है, उन्होंने वे जीएनएम कर रही है। आपने हाई स्कूल में जिले में सेकंड रैंक में है।